वेलकम बैक टू जागो दुनिया मैं फारूक हसन और दोस्त मोहम्मद खोसा सबक चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं ये बताइए कि अभी हाई कोर्ट ने uh, किया कहा है कि जी uh, जो है वो एक हफ्ते में पेश किया जाए लोकल बॉडीज इज इट प्रिपेयर्ड इजमोस्ट प्रिपेर्ड ओके उसमें जरूरत है ठीक है बट आई थिंक में कोई uh, मैं बात कर रहा हूँ कि डेट देना मुनासिब होगा ठीक है दो एहतराम अगर गवर्नमेंट जो है अपना वर्जन दे दे अदालत को तो मैं नहीं समझता कि अदालतें आज की इतनी अनरीजनेबल हैं कि वो गवर्नमेंट की कैपेसिटी को या जो हालात हैं उनको देखते हुए उस पर कोई और वर्जन लेगी ठीक मेरा अपना जती अंदाजा ये है कि अभी कम अज कम पांच से छह माह लगेंगे अच्छा नॉट हमें नहीं

लेकिन जो आसपास कैबिनेट है उनको डेवल्यूशन ऑफ पावर नहीं दी जाती है मैंने पावर सारी के हाथ नहीं होती है। आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है और जो आप बोलते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो से क्या फायदा अगर उसपे इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन मैं यू नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल ही नहीं होती अच्छा डिबेट होती, डिबेट होती है ठीक है आई I मीन mean, uh, मैं एक कमेंट पास करता हूं या मैं कोई uh, बात हाईलाइट करता हूं। ये जरूरी नहीं है सारे उसकी सपोर्ट मेंबर्स में प्रैक्टिकल जो जो अप्रोच उसको उसको के, के साथ उसको डील किया जाता है आई वोट से जी बिल्कुल uh, अच्छा मुझे ये बताए अभी आपका करंट स्टेटस क्या बिकॉज एज मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंक आपने ये नई मिनिस्ट्री आपको एलोकेट की गई है अभी

मैनी रीजन मैनी रीजन बेसिकली आप एक चीज देखें जी पंजाब में हमेशा लोकल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है ये हमेशा चीफ मिनिस्टर के पास ही रही है नहीं। रिवायतन टाइम्स uh, जब वो मिनिस्ट्री जो है किसी को सौंपी गई अब उसमें दो ढाई साल में मेरे ख्याल में जहाँ पे uh, क्या आपकी परफॉर्मेंस मुतमिन नहीं थे परफॉर्मेंस देखें जी टू ब्रिंग ऑल द प्रोवेंसेज ये मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट है कि तीनों सूबों को जो पंजाब का मौकफ था उस पर लाना ठीक जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि सरों ने मिनवान उसको फॉलो किया लेकिन उन्हीं पैटर्न पे आए उन्हीं लाइंस पे आए फॉलो मौजूदा सिस्टम को उन्होंने डिस्कार्ड किया रिजेक्ट किया इसके खिलाफ आवाज उठाई पंजाब ने सबसे पहले और फिर फॉलो किया बाकी सूबों ने ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी नॉट ओनली इन पंजाब तो जब अच्छा आप थे थे तो क्यों चेंज की गई आपकी मिनिस्ट्री क्या समझते हैं चीफ मिनिस्टर कैन आंसर दैट क्वेश्चन आपने पूछा चीफ मिनिस्टर समझते? नहीं मैंने नहीं पूछा मियाँ नवाज शरीफ साहब एक नेशनल लीडर है लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन हैं दो मरतबा वजे अजम भी रह चुके हैं जो अभी हाल ही में हम उनका देख रहे हैं एक तो उनकी लंडन ट्रैवल या फॉरन ट्रैवल बहुत ज़्यादा है पंद्रह बीस दिन के लिए वो पाकिस्तान में होते हैं उसमें भी खामोशी होती है एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक आध बयान आ जाता है और वो भी कोई इसी तरह का होता है कि जी ये पीपल्स पार्टी अपनी सफ में से दहशत गर्दों को खुदकश पंबारों को निकाल दे या इस तरह की बातचीत और फिर वो चले जाते हैं लोगों की इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन हैं कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं शायद उस तरह से नहीं हो रही नहीं हो रही शायद उस तरह से नहीं हो रही ओके ओके मैं समझता हूँ इसमें कुछ क्रेडिट मियाँ साहब को उस हवाले से भी देना चाहिए कि अगर उन्होंने एक रिवायती जो हमारा पाकिस्तान का एक कल्चर रहा है पास में उस तरह के एक अपोजिशन का किरदार अदा किया तो मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत दो चार दिन से ज़्यादा जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ठीक सो so, uh, मियाँ साहब का जो मौक़ है वो कई दफ़ा अपना uh, मौक़ जो है वो मीडिया पर भी बयान कर चुके हैं ओपनली कि जी मैं पोलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता ठीक है बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव अ चांस टू टेल द फेडरल गवर्नमेंट और द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स के वो कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं इस वक्त जो पंजाब के हालात हैं गवर्नेंस के स्पेशली क्या आप उनसे मुतमिन हैं जहाँ पे चीनी का आटे का लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं बिजली का मसला है सस्ती रोटी में बड़े इशूज़ उठ रहे हैं कई जगह मिल रही है कहीं नहीं मिल रही कुछ करप्शन की बातें कर रहे हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खौफजदा है और डाइवर्ट हो जाती है एक अगर सस्ती रोटी है तो सारी उस पर लग जाएगी जो भी इनिशिएटिव सीएम साहब लेंगे एक एक अजीब सी फजा बनी है क्या आप उससे मुमय है कभी